आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन में लिस्ट के मेथड। जैसे कि हम लोगों ने डेटा टाइप देखे थे, नंबर, लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी। सो डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग पाइथन के डेटा टाइप देखे थे, और पाइथन के डेटा टाइप के कैसे सिंटैक्स होते हैं, लिस्ट कैसे बनाया जाता है, ट्यूपल कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम लोग ने एवरीथिंग सब देखा था पाइथन डेटा टाइप में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन लिस्ट मेथड, यानी कि पाइथन लिस्ट में कितने मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और वो मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। द मेथड दैट आर अवेलेबल विद द लिस्ट ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग आर ट्यूबुलेटेड ब्लो। पाइथन के लिस्ट में, पाइथन लिस्ट मेथड में होंगे लाइक जैसे कि अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, रिमूव मेथड, पॉप मेथड, क्लियर मेथड, इंडेक्स मेथड, काउंट मेथड, शॉर्ट मेथड, रिवर्स कॉपी। ये सब मेथड्स है जो कि हम लोग लिस्ट में पढ़ने वाले हैं। दे आर एक्सेस एज अ लिस्ट डॉट मेथड, यानी कि जो इसके मेथड रहेंगे, द सम ऑफ मेथड आई हैव ऑलरेडी हैव बीन यूज्ड, ओके, यानी कि कुछ में से मेथड हम लोग ने यूज भी किए हुए। हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे अपेंड मेथड के बारे में, अपेंड मेथड कैसे काम करता है। और अपेंड मेथड का काम क्या होता है, द अपेंड मेथड एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। मुझे कोई नया एलिमेंट को ऐड करना है एंड ऑफ द लिस्ट, तो मेरे को अपेंड मेथड यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। मैं आ जाता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। मैंने एक फाइल बना ली है यहाँ पर। मैं एक हैश कर देता हूँ मैं। मैंने कमेंट कर दिया मैंने हैश से। एग्जाम्पल मैंने एक लिया। अभी जो हम लोग पहला एग्जाम्पल करें अपेंड मैथ का कर रहे हैं, राइट, स्क्रीन विजिबल है। पहला मेथड हम देखें अपेंड मेथड। तो मैंने एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना एनिमल नाम का, जहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, कैट, डॉग एंड रैबिट, तीन एनिमल्स के नेम मैंने यहाँ पर डिफाइन किए एंड तीन एलिमेंट्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, एक और एलिमेंट को ऐड करना है। मैं क्या करूंगा, अपेंड मेथड कैसे यूज करूंगा, एनिमल यानी जो मेरा लिस्ट है डॉट अपेंड। मैं अपेंड मेथड यूज कर रहा हूँ, एनिमल्स डॉट अपेंड, और एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ। एक दुनिया पीजी करके मैंने एक एनिमल का एक नाम दिया जो कि मैं अपेंड कर रहा हूँ, और ये लिस्ट में कहाँ पर ऐड होगा, एंड ऑफ द लिस्ट। देन फाइनली मैं प्रिंट करूंगा उसको। यानी कि अपडेटेड एनिमल लिस्ट, जो एनिमल यानी कि मेरा लिस्ट उसको प्रिंट करूंगा, तो जो जो न्यू एलिमेंट ऐड करके वो मेरा एक फाइनल लिस्ट मुझे दिखाएगा। मैं इसे रन कर लेता हूँ एक बार। F5 करना होता है रन करने के लिए, तो फाइल को पहले सेव करने के लिए मुझे पूछ रहा है, फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लिस्ट मेथड, लिस्ट मेथड नाम दे दिया। इसका आंसर दिखेगा मेरे पाइथन सेल स्क्रिप्ट पे, तो मैं आ जाता हूँ पाइथन के ऊपर, पाइथन सेल के ऊपर। देखिए यहाँ पर अपडेटेड एनिमल लिस्ट करके दिखा रहा है, यानी कि तीन एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर थे, कैट, डॉग एंड रैबिट, यहाँ पर और एक एलिमेंट जो मैंने अपेंड मेथड टू मैंने ऐड कराया था। सो अपेंड मेथड टू क्या होगा, जो न्यू एलिमेंट लिस्ट में ऐड होता है, कहाँ पर होता है, एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है। क्लियर है, समझ में आया अपेंड मेथड कैसे यूज करते हैं। द अपेंड मेथड एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, क्लियर। सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे, सेकेंड मेथड होगा एक्सटेंड, एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एड ऑल द एलिमेंट टू द लिस्ट, टू द लिस्ट, टू द अनदर लिस्ट। कैसे हम लोग देखेंगे। मैं एक बार इसका डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, द एक्सटेंड, द एक्सटेंड द लिस्ट बाय एडिंग अ ऑल आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, यानी कि उसको एक्सटेंड करेगा। आप कैसे देखते हैं अपन। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्सटेंड मेथड का भी एक।
और मैं आ जाता हूँ अपनी कोड वाली फाइल की तरफ। तो यस आ चुका हूँ। ओके मैंने पूरे लिस्ट मैंने ले लिया है। ओके लैंग्वेज करके मैंने एक लिस्ट बनाया जहाँ पर फ्रेंच इंग्लिश एंड जर्मन तीन लैंग्वेज यहाँ पर डिफाइन किया है। एक और लिस्ट मैंने बनाया है। ओके यानी कि एक्सटेंड मतलब एक बड़ा मेरा क्या बनेगा एक लिस्ट बनाएगा। ओके सो यहाँ पर देखो तो एक और मैंने लिस्ट बनाया लैंग्वेज वन करके मैंने नाम दिया है। एक उसमें मैंने दो एलिमेंट डाले स्पेनिश और पोर्चुगल करके मैंने डाला है पर। ओके दो लिस्ट बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ लैंग्वेज यानी कि पहले लिस्ट मेरा जो पहला लिस्ट है डॉट एक्सटेंड। ओके और दूसरा लिस्ट मैंने क्या करा उसके अंदर मर्ज कर रहा हूँ। ओके एंड यहाँ पर मेरा फाइनल लिस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। F5 से रन कर देता हूँ मैं। ओके सेव करने के लिए पूछ रहा है। ओके ओके सो मैं इसे रन कर इसे मैं आउटपुट विंडो की तरफ आ जाता हूँ मैं। यस पाइथन शेल स्क्रिप्ट। ओके सो देखो ओके फाइनल लिस्ट मेरा अपडेट हो गया आ गया। यानी कि क्या हो गया दो लिस्ट को क्या कर दिया मर्ज कर दिया यानी कि उसके अंदर ऐड कर दिया उसको एक्सटेंड कर दिया है राइट। यानी कि फ्रेंच इंग्लिश जर्मन यानी और जो मेरा सेकंड लिस्ट था वो भी एक लिस्ट दोनों लिस्ट को ऐड करके एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आया एक्सटेंड का? यस सर। पक्का डाउट है दो मेथड में अभी तक दो फंक्शन में? नहीं। ओके ओके सो नेक्स्ट मेरा मेथड है। ओके नेक्स्ट है इंसर्ट। ओके नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट। ओके इंसर्ट मेथड द इंसर्ट मेथड इंसर्ट एलिमेंट टू द लिस्ट एट गिवन इंडेक्स। ओके नाम से पता चलता है कि हमको क्या करना है एलिमेंट को इंसर्ट करना है बट कैसे कहां पर इंसर्ट करना है। ओके इंसर्ट एन एलिमेंट टू द लिस्ट एट गिवन इंडेक्स यानी कि उसके पोजिशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है उसको एंटर करना है। तो इसमें कैसे होगा द इंसर्ट फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर। सो इंसर्ट फंक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा दो पैरामीटर देना पड़ेगा वो दो पैरामीटर लेगा। ओके जिसमें हमारा इंडेक्स होगा इंडेक्स मतलब पोजिशन वेयर एन एलिमेंट नीड टू बी इंसर्ट जो कहां पर वो एलिमेंट मुझे एंटर करना है। ओके और दूसरा क्या होगा मेरा एलिमेंट होगा जो इंटर होगा यानी कि दिस इज द एलिमेंट टू बी इंसर्ट इन द लिस्ट। समझ में आया कि इंसर्ट फंक्शन में दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा एक होगा मेरा एक होगा इंडेक्स और एक होगा एलिमेंट। इंडेक्स मतलब कौन से पोजिशन पे और जो दूसरा होगा कौन सा एलिमेंट। ओके सो देखते हैं एग्जांपल के साथ में। सो आ जाते हैं कोड वाली फाइल पे। यस मैंने एक एग्जांपल ले लिया मैंने एक लिस्ट बनाया वॉवल करके AEIOU करके मैंने चार मैंने वॉवल यहाँ पर बनाया मुझे एक वॉवल मिसिंग है ओ तो मुझे ओ क्या करना है इंसर्ट करना है मतलब AEIOU मतलब ओ के बाद यू आएगा मतलब यू के पहले ओ को मेरे को इंसर्ट करना है बराबर। सो तो वॉवल कहाँ इंसर्ट करना है लिस्ट में इंसर्ट करना है तो लिस्ट का नाम क्या है वॉवल डॉट मुझे क्या कराना है इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट थ्री थ्री क्या है मेरा इंडेक्स पोजिशन यानी कि यानी कि 0, 1, 2 थर्ड पे आना चाहिए बराबर। थर्ड पे मेरा ये ओ को इंसर्ट करेगा। ओके मैं इसे रन करके देखता हूँ मैं तो F5 यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ मैं। ओके देखते हैं मेरा आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं मैं आउटपुट स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ मैं पाइथन सेल्स। यस ओके राइट यानी कि थर्ड पोजिशन में एंटर हो चुका है 0, 1, 2, 3 यानी कि AEIOU यानी कि नया मेरा न्यू एलिमेंट कौन सा था ओ ओ को मैंने इंसर्ट कर दिया है थर्ड पोजीशन पे। क्लियर? यस सर। ओके ठीक है प्रॉपर विजिबल है ना प्रॉपर ऑडिबल ना? हाँ सर। ओके ओके ठीक है सो नेक्स्ट फंक्शन तो नेक्स्ट फंक्शन ओके तो नेक्स्ट फंक्शन इज रिमूव रिमूव फंक्शन। ओके अब रिमूव फंक्शन क्या करेगा द रिमूव मेथड रिमूव द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। ओके रिमूव द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट विच इज पास एन आर्ग्यूमेंट जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फ्रॉम द लिस्ट तो उसको क्या करेगा वो रिमूव कर देगा यानी जो उसको मैचिंग एलिमेंट मिलेगा। मतलब द रिमूव मेथड टेक्स सिंगल एलिमेंट एज एन आर्गूमेंट एंड रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट मतलब कौन सा मुझे रिमूव करना है मुझे बताना पड़ेगा। ओके सो एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे।
कोडिंग वाली फाइल की तरफ आ जाता हूँ मैं. तो मैंने एक लिस्ट बनाया अगेन एनिमल करके. यहाँ पर कैट डॉग रैबिट करके एक चार एनिमल के नाम दे दिया यहाँ पर. सो मुझे क्या करना है इसमें से एक एलिमेंट को रिमूव करने की एक एनिमल के नाम को मुझे रिमूव करना है. सपोज मैं क्या कर रहा हूँ रैबिट को रिमूव कर रहा हूँ तो रैबिट इज रिमूव. तो उसके लिए मुझे रिमूव फंक्शन यूज करना पड़ेगा. तो एनिमल्स यानी जो मेरा लिस्ट है लिस्ट का नाम एनिमल्स डॉट रिमूव ब्रैकेट में मतलब एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है जो एलिमेंट मुझे क्या करना है रिमूव करना है. तो मैंने नाम दे दिया रैबिट. रैबिट को मुझे रिमूव करना है तो रैबिट दे और मैंने रैबिट यहाँ पर नाम दे दिया. एंड मैं देखता हूँ मेरा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. मैं F5 प्रेस कर देता हूँ. यस ओके ओके. सो मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. देखता हूँ मेरा प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं आंसर. यस शो रहा है कैट डॉग उसमें रैबिट मिसिंग है राइट. यस ओके. सो मैं क्या करता हूँ एक और चेंजेस करके थोड़ा दिखता हूँ उसके अंदर पैटर्न लिस्ट. सब मुझे रैबिट नहीं निकालना है मुझे निकालना है डॉग. ओके F5 सेव एंड रन. ओके देखते हैं डॉग रिमूव हुआ कि नहीं. आउटपुट उसमें शेयर कर देते हैं. यस पाइथन सेल्स पे आ चुका हूँ. यस देखो राइट यानी कि डॉग मिसिंग है यानी कि मेरा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है. क्लियर. यस सर क्लियर. ओके ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज अ काउंट. काउंट मेथड यूज करेंगे. काउंट नाम से पता चल रहा है काउंट करेगा. द काउंट मेथड रिटर्न अ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट. ओके सो क्या करेगा सिंपली काउंट मेथड काउंट्स द हाउ मेनी टाइम्स एलिमेंट हैज अकर्ड इन अ लिस्ट यानी कितने टाइम वो एलिमेंट अकर्स कर रहा है वो मुझे गिन के दिखा देगा. बहुत ही सिंपल है. ओके सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अच्छा सा ओके मैं आ जाता हूँ अपने कोडिंग वाली फाइल की तरफ. आ चुका हूँ. ओके मैंने एक लिस्ट बनाया वॉवल करके जहाँ पर मैंने EEIOUIU. ओके सो मैंने पर आई मैंने डबल बार लिखा है. ओके सो मैं डबल की जगह ट्रिपल कर देता हूँ. मैं एक और आई ले लिया. ओके सो यहाँ पर क्या है आई 3 times है राइट. ओके सो मुझे क्या करना है आई को काउंट कराना है. सो एक वेरिएबल लिया है काउंट करके इज इक्वल टू काउंट करके वेरिएबल इसके लिए लिया क्योंकि काउंट करके मुझे कहीं एक वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा ना इसके लिए. ओके या तो डायरेक्टली मैं कोई फंक्शन में प्रिंट एफ ये प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा. अदरवाइज ये वेरिएबल में ले रहा हूँ मैं. अगर मुझे प्रिंट फंक्शन में डायरेक्टली मुझे कॉल करके नहीं करना है तो सो वोवेल. ओके सो काउंट करके वेरिएबल बना इज इक्वल टू वोवेल यानी कि जो मेरा लिस्ट है डॉट काउंट. किसे काउंट करना है आई को काउंट करना है. तो आई कितनी टाइम आई 1, 2 and 3 यानी कि 3 times है. ओके क्लियर. ओके अब इसमें सेकंड क्या कर रहे हैं सेकंड में पी को भी काउंट कर रहा हूं. तो पी कितनी टाइम है पी है पी तो एक बार भी नहीं है. यस पी है इसमें लिस्ट में दिख रहा है आपको. ओके सो पी का आंसर क्या आना चाहिए 0 और आई का क्या आंसर आना चाहिए 3. ओके सो मैं F5 कर देता हूँ मैं. ओके रन कर दिया मैंने. ओके सो मैं आउटपुट स्क्रीन की तरफ आ जाता हूँ मैं. ओके राइट आई 3 times था पी तो था ही नहीं इसके लिए 0 दिखा रहा है. क्लियर. यस ओके ओके सो हम लोग क्लियर है ना. हाँ सर. ओके ओके सो नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग इंडेक्स. इंडेक्स फंक्शन. ओके इंडेक्स मेथड. ओके सो द इंडेक्स मेथड इज सर्च एन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिटर्न इट इंडेक्स. मतलब कि वो एलिमेंट मेरे उस लिस्ट में अवेलेबल है और अवेलेबल है तो कौन से पोजीशन में अवेलेबल है तो मुझे उसका पोजीशन मुझे रिटर्न करेगा. ओके एंड सिंपल द इंडेक्स मेथड फाइंड अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स पोजीशन. ओके यानी कि उस एलिमेंट अगर लिस्ट में है तो कौन से पोजीशन पे है मुझे वो शो करेगा राइट. इफ द सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट मोर देन वंस यानी एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा प्रेजेंट है द
the method return return the index of first occurrence, यानी कि वो पहला वाला जो उसको सर्च मिलेगा फाइंड मिलेगा ना तो उसी का बताएगा. क्लियर? ओके. एंड इसका भी इंडेक्सिंग जो होगा भाई जीरो. ओके. तो यानी कि पैटर्न इंडेक्सिंग स्टार्ट एट जीरो नॉट वन. सो देख लेते हैं. तो एक इसमें हम लोग को एक आर्गुमेंट लेगा इंडेक्स फंक्शन, एक आर्गुमेंट लेगा एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो मुझे सर्च कराना है. सो कंट्रोल, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर स्टॉप के, मैं कोडिंग वाली फाइल की तरफ आ जाता हूँ. ओके, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर. ठीक है. सो अगेन एक लिस्ट ई आई ओ यू, यानी कि टू टाइम आई यू. ओके, अब मुझे क्या कराना है, इंडेक्स वोवेल जो लिस्ट है डॉट इंडेक्स, तो मेरा पहला वाला वेरिएबल है और ये इंडेक्स जो यूज करो मेरा मैथड है ई. अब मुझे क्या करना है, ई को मुझे सर्च कराना है. ओके, यूजिंग इंडेक्स फंक्शन. ओके, कौन से पोजिशन पे अवेलेबल है? ओके, और ई है और आई. ओके, तो देखते हैं, चेक करते हैं आउटपुट क्या चेक क्या शो करता है मुझे. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. मैं राइट है, राइट आंसर यस और नो? हेलो हेलो, हाँ यस आंसर राइट है. और विंडो दिख रहा है आपको पाइथन सेल स्क्रिप्ट? ओके ओके. सो यानी कि मैंने यहाँ पर नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है. हेलो, ओके. सो जैसे कि मैंने यहाँ पर वोवेल लिस्ट बनाया था वोवेल करके, उसमें मैंने पहले तो मैं ई को सर्च करा था, तो मैंने बताया कि इंडेक्सिंग जो पोजीशन लेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि जीरो वन. ई क्या है, वन पोजीशन पे है, और जो आई है वो टू के पोजीशन पे, यानी कि जीरो वन टू. ओके, क्लियर, समझ में आपको? हेलो. ओके, सो यस सर, तो इंडेक्स फंक्शन क्लियर ना? ओके, सो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे पॉप. नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे पॉप मेथड. ओके ओके, सो हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट मेथड का नाम है, जैसे मैंने बताया पॉप मेथड. ओके, सो पॉप मेथड क्या करता है, द पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम एट गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट. पॉप मतलब क्या करना, रिमूव करना. ओके, तो पॉप मेथड रिमूव द आइटम एट अ गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट एंड रिटर्न द रिमूव आइटम. ओके, जो आइटम रिमूव करेगा मुझे शो करेगा. ओके, सो इसमें भी एक सिंगल आर्गुमेंट मेरे को देना पड़ेगा. ओके, एंड द पॉप मेथड टेक्स सिंगल आर्गुमेंट लाइक इंडेक्स जो पोजीशन है वो, एंड द आर्गुमेंट पास टू द मेथड इज ऑप्शनल, इफ नॉट पास द डिफॉल्ट इंडेक्स माइनस वन लेगा वो. माइनस वन इफ पास एन आर्गुमेंट एंड इंडेक्स ऑफ द लास्ट आइटम, तो वो बाई डिफॉल्ट वो लेके उसको रिमूव कर देगा. ओके, सो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में पॉप मेथड. ओके, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे. ओके, सो सेम यहाँ पर एक लिस्ट बना है लैंग्वेज करके, पाइथन जावा सी प्लस फ्रेंच सी. ओके, मैंने लिस्ट बनाया लैंग्वेज करके. अब मुझे क्या करना है, रिमूव करना है एलिमेंट, रिमूव द रिटर्न फोर्थ एलिमेंट. ओके, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर. ओके, तो मुझे देखना है वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं जो रिमूव किया है, एंड उसको फाइनली उसको अपडेट करके बताएगा आफ्टर रिमूविंग, यानी कि कौन सा एलिमेंट रिमूव किया और रिमूव करने के बाद मेरा लिस्ट क्या था, यानी कि अपडेटेड लिस्ट. ओके, सो देखते हैं, मैं इसे रन करूंगा F5. ओके, आउटपुट मुझे शेयर कर देता हूँ एक बार. ओके, क्या मैं बोले फ्रेंच
फोर्थ थर्ड पे क्या था, फ्रेंच था, ओके, 0 1 2 3 4 इसको फ्रेंच था, फ्रेंच को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद मेरा फाइनल लिस्ट का आया, वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, क्लियर? यस सर। एनी डाउट? ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लिस्ट के मेथड, नेक्स्ट हम लोग मेथड देखेंगे लिस्ट के, ओके, तो नेक्स्ट इज रिवर्स, रिवर्स मेथड, और रिवर्स मेथड तो मुझे नाम से पता चलता है, रिवर्स मतलब उल्टा होगा, ओके, तो रिवर्स मेथड रिवर्स द एलिमेंट एट द गिवन लिस्ट, यानी कि उसको उल्टा कर देगा, ओके, मतलब रिवर्स फंक्शन डजंट टेक एनी आर्गुमेंट, ओके, द रिवर्स फंक्शन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, इट्स ओनली रिवर्स द एलिमेंट एंड अपडेट इट, सो देख लेते हैं हम लोग कैसा वर्क करता है, अपनी कोडिंग वाली विंडो पे आ जाते हैं, यस मैं आ चुका हूँ, ओके, सो एक लिस्ट है, ओएस करके लिस्ट का नाम दिया, जहाँ पर विंडोज मैक एंड लिनक्स मैंने तीन एलिमेंट्स लिए लिस्ट के अंदर, ओके, अब मुझे लाइक पहले मैंने क्या किया, प्रिंट ओरिजिनल लिस्ट, यानी कि जो मेरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है कि वो मुझे दिखेंगे, यानी कि विंडोज मैक ओएस एंड लिनक्स, ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, यानी कि लिस्ट का नाम ओएस डॉट रिवर्स, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ओके, एंड फाइनली मुझे लिस्ट क्या दिखेगा वो हम लोग देखते हैं, एफ आई, ओके, यस हम लोग चेक कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ अपनी आउटपुट वाली फाइल की तरफ, यस, ओके, ओरिजिनल लिस्ट विंडोज मैक ओएस लिनक्स, ओके, दिख रहा है यहाँ पर, और मैंने उसको रिवर्स किया, यानी कि उसका उल्टा हो गया, यानी लिनक्स मैक ओएस एंड विंडोज, क्लियर? ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड इज शॉर्ट, ओके, नेक्स्ट मेथड इज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट, शॉर्ट मेथड, अब शॉर्ट मेथड क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, उसको अरेंज करेगा, ओके, द शॉर्ट मेथड शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, शॉर्ट तो यह वही हो सकता है ना, असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है, ओके, बट इसमें द सिंटेक्स ऑफ द सिंटेक्स और शॉर्ट का और डिसॉर्ट का हम देखेंगे, ओके, अभी शॉर्ट मेथड में कैसे वर्क करेगा, द शॉर्ट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा पैरामीटर, ओके, एंड टू ऑप्शनल पैरामीटर, मतलब लाइक रिवर्स और की, और रिवर्स और की ये बताऊंगा कैसे यूज होगा, मतलब जब डिसेंडिंग करना होता है ना तो ये मुझे यूज करना पड़ता है, शॉर्ट में तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में तुम्हें कोई शो कर देगा, बट मुझे जब डिसेंडिंग करना पड़ेगा ना तो उसमें दो पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, एक रिवर्स और एक की करके, रिवर्स क्या करेगा, इफ ट्रू द शॉर्टेड लिस्ट इज रिवर्स, ओके, रिवर्स और शॉर्टेड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड की फंक्शन क्या करेगा, कंपेरिजन करेगा, ओके, ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल शॉर्ट वाला, ओके, वॉवल मैंने बना दिया, वॉवल एक लिस्ट है जहां पर मैंने ये वो यू आई करके मेरे कुछ लिस्ट है, ओके, मुझे क्या करना, शॉर्ट करो, शॉर्ट में तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, वॉवल डॉट शॉर्ट, सो देखेंगे हम शॉर्ट होता है कि नहीं, एफ आई, ओके, तो मैं आ जाता हूँ आउटपुट स्क्रीन की तरफ, यस, राइट, ए ई आई ओ यू, यानी कि प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है एलिमेंट, राइट, क्लियर, अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि थोड़ा उसका जैसे कि मैं बताया कि दो आर्गुमेंट इसमें यूज करना पड़ता है, एक रिवर्स और एक की करके, ओके, यानी रिवर्स करके और एक रिवर्स करके की करके, मतलब रिवर्स मतलब इफ ट्रू इज अ शॉर्टेड लिस्ट इज रिवर्स, ओके, रिवर्स हो रहा है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, ओके, उसके लिए रिवर्स यूज करना पड़ेगा कीवर्ड, और की क्या करेगा, फंक्शन डेट रिवर्स एज ए की फॉर शॉर्ट कंपेरिजन, इसको शॉर्ट को कंपेयर करेगा, सो एग्जांपल के साथ देखते हैं, यस, तो यहाँ पर देखो शॉर्ट में कैसा करना, यानी कि शॉर्ट हो रहा है यानी कि रिवर्स हो रहा है, ट्रू है तो उसे क्या करेगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मुझे रिवर्स का भी यूज करना पड़ेगा, तो यानी कि डिसेंडिंग करने के लिए मुझे ऐसा यूज करना पड़ेगा, FY,
और थोड़ा संगीत तरफ आ जाता हूँ मैं. ओके ओके सो उल्टा हो चुका है. यू आर ई ए क्लियर. यस ओके. एक और नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट मेथड देखेंगे कॉपी. कॉपी मेथड, कॉपी नाम से पता चल रहा है मतलब एक लिस्ट है, जैसे लिस्ट का एलिमेंट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं यूजिंग कॉपी फंक्शन. ओके अपेंड भी वही काम करता था लाइक सेम थिंग. ओके ओके सो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. मैं आ जाता हूँ फाइल में अपने कोडिंग वाले. यस ओके सो मैं एक मिक्स लिस्ट बनाया है यहाँ पर कैट यानी कि नंबर्स और एक डेसिमल मिक्स लिस्ट बनाया है. उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी कर रहा हूँ. ओके एक मैंने एक न्यू लिस्ट बनाऊंगा जहाँ पर मैं उस लिस्ट को क्या करूँगा मैं कॉपी कर रहा हूँ मैं. ओके मतलब उस लिस्ट का नाम क्या है लिस्ट है. अब मुझे कॉपी कर रहा हूँ दूसरे लिस्ट के अंदर मतलब न्यू लिस्ट करके एक दूसरा नाम दे रहा हूँ लिस्ट का और इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉपी. वो सारे एलिमेंट उस लिस्ट के एलिमेंट को मैं इस दूसरा लिस्ट में मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर उसके बाद एक और एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ यूजिंग अपेंड फंक्शन के थ्रू. यानी कि मेरा फाइनल लिस्ट क्या आएगा कैट 0.6.7 कॉमा डॉक करके. ओके यानी कि ओके So, F5. इनको शेयर कर देता हूँ मैं. यस राइट दिख रहा है ओल्ड लिस्ट क्या आता है देन न्यू लिस्ट में क्या होगा क्लियर. यहाँ पर देखो ओके देखो मैंने न्यू लिस्ट को प्रिंट किया. ये मेरा ओल्ड लिस्ट था और मैंने जो न्यू लिस्ट बनाया वो ओके आउटपुट शो नहीं हुआ. ओके मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं. सॉरी यस दिखा हाँ ओके 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 सो एक लास्ट फंक्शन बचा है क्लियर मेथड इन लिस्ट. क्लियर लिस्ट क्या करेगा नाम से पता चलता है क्लियर द मेथड रिमूव द ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. यानी कि लिस्ट में से सारे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लियर मेथड का यूज करेंगे. ओके सो एग्जांपल के साथ में ले लेंगे. तो आ जाते हैं अपनी कोडिंग वाली फाइल की तरफ. यस एक लिस्ट बनाया है. ओके अब लिस्ट को मुझे क्या करना है क्लियर करना है. F5 मैं आउटपुट स्क्रीन चेक करता हूँ मैं लिस्ट में क्लियर होगा कि नहीं चेक करते हैं. यस लिस्ट में क्लियर हो चुका है. दिख रहा है आपका आउटपुट. यस सर. ओके सो क्लियर है. ओके ठीक है ये तो हम लोग ने सारे लिस्ट के मेथड देखे जो पड़े कितने सारे मेथड्स हम लोग ने देख लिए लिस्ट के. हम लोग ने देख लिया है इंडेक्स. ओके इंडेक्स कितने मेथड देख लिए टोटल 10. इंडेक्स अपेंड स्टैंड इंसर्ट रिमूव काउंट पॉप रिवर्स शॉर्ट कॉपी एंड क्लियर. ओके इतने सारे हम लोग ने लिस्ट के में हम लोग ने मेथड हम लोग ने देख चुके हैं. ओके सो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यूजिंग लिस्ट के ऊपर. ओके सो मैं एग्जांपल एक लेता हूँ. जैसे एग्जांपल क्या लूँ मैं चलो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके
सबसे पहले एक छोटा सा एक इजी इजी एग्जांपल लेके पहले करते हैं, इतना बड़ा एग्जांपल की जरूरत नहीं है। ओके ओके, यानी जैसे फॉर लूप का यूज करेंगे, एक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं अच्छा था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे और उस एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, सम करना है। ओके सो देखते हैं एग्जांपल हम लोग। ओके यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर सॉर्टेड इन अ लिस्ट। ओके यानी कि जो लिस्ट में एलिमेंट है मुझे उसको क्या करना है, सबको सम करना है। तो मैंने एक लिस्ट बना ली नंबर नाम का, जहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए, यानी कि 6 5 3 8 4 2 5 4 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 एलिमेंट्स लिए और 10 एलिमेंट्स मुझे क्या करना है, सम करना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया है, समय लिख लो 0, यानी कि वेरिएबल को मैंने 0 से असाइन कर दिया है, मतलब कोई गार्बेज वैल्यू नहीं लेना चाहिए। फिर मैं लूप चलाऊंगा क्योंकि सारे एलिमेंट को मुझे ऐड करना है, लिस्ट है। ओके जैसे कि हम लोग एरे में करते थे, फॉर वैल इन नंबर, यानी कि जो मेरे लिस्ट में लिस्ट नंबर क्या हो गया, मेरा लिस्ट हो गया। ओके तो उस एक वेरिएबल मैंने एक वेरिएबल असाइन किया है, अब वो क्या करेगा, वो वेरिएबल जो वैल में मेरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट, मेरा एक एक एलिमेंट कहाँ जाएगा, उस वैल वेरिएबल में जाएगा और वो क्या करेगा, और सम करते जाएगा, यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल। तो जैसे जैसे मेरा लूप चलेगा वो एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड होते जाएगा, ऐड करते जाएगा। ओके देन फाइनली मुझे सम मुझे प्रिंट करेगा, देखते हैं। ओके आउटपुट को शेयर कर देता हूं। ओके देखो पर आंसर दिखा रहा है फाइनल 48। ओके मैं एक सिंपल एग्जाम इजी उस लिस्ट को थोड़ा इजी कर देता हूं मैं, तो समझ में आएगा। और मैं इतना बड़ा ना बना के मैं इतना ही ले लेता हूँ। ओके यानी कि 6 5 3 8, तो एडिशन क्या होना चाहिए, 6 5 11 11 plus 3 14 14 plus 8 22। ओके F5 चेक कर लेता हूँ आंसर मेरा 22 आ रहा है कि नहीं। यस आ रहा है आंसर 22। यस हेलो स्क्रीन नहीं शो रहा है, दिख रहा अभी? हेलो नहीं सर। ओके सो मैं शेयर कर रहा था स्क्रीन को। यस दिख रहा आपको? नहीं सर आपकी आवाज भी बहुत ब्रेक करके आ रही है। ओके अभी प्रॉपर आ रही है, देखो अभी स्क्रीन दिख रहा है, मैंने शेयर किया हुआ है, फिर से शेयर करता हूं मैं। ओके थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। यस राइट क्लियर दिखा? हेलो यस विजिबल? नहीं सर विजिबल तो नहीं है बट मुझे अंडरस्टैंड हुआ है पहले वाला दिख। ओके ठीक है तो आएगा विजिबल धीरे धीरे जैसे नेटवर्क क्लियर मिलेगा। ओके ठीक है। ओके सो हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके एक देख लेते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का देख लेते हैं हम लोग। ओके मैंने दो लिस्ट दो मैट्रिक्स बनाया। ओके यानी कि मेरा लिस्ट वन है लिस्ट टू एक्स वाई लिस्ट के थ्रू बनाना है, यानी कि नेस्टेड लिस्ट है। ओके यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ।
ओके यहाँ पर तीसरा मैट्रिक्स भी बना है, जैसे 0 0 से इसको असाइन किया हुआ है, और दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ओके सो ऐड करने के लिए वही फॉर लूप जैसे हम यूज करते हैं। ओके सो आई जे चलेगा। ओके ये मैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, लाइक टू डायमेंशनल की तरह ही मेरा 3x3 का, यानी कि 3 रो 3 कॉलम्स। ओके इसके लिए दो फॉर लूप लगेगा, एक आई जे करके मैंने फॉर लूप चलाया है, एक होगा आई फॉर रोज, सेकंड होगा जे फॉर कॉलम्स के लिए। ओके एंड मेरा एक थर्ड मेरा मैट्रिक्स है रिजल्ट आई जे, वो क्या कर रहा है, मैं थर्ड मैट्रिक्स यानी कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो मेरे थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर होगा। ओके देन फाइनली मेरा एक मैट्रिक्स यहाँ पर मेरा प्रिंट होगा, यानी कि जो रिजल्ट के अंदर होगा। देख लेता उसको मैं रन करके एफ5 करके। ओके मैं आउटपुट स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, मैं दिख रहा आउटपुट आपको, हेलो दिखा। ओके काफी इजी है पाइथन में ये 2D वाला भी, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड भी कम है, सिंपल है। एक आई एक जे यानी कि एक रो का एक कॉलम के लिए यहाँ पर उसने ऐड कर दिया है और उसको आर को प्रिंट कर दिया है। ओके क्लियर है एग्जांपल है। ओके मल्टीप्लिकेशन ट्राई करना आप। ओके मल्टीप्लिकेशन का आप ट्राई करना, क्लियर। ओके 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 ठीक है। सो चलो 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 एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ओके एग्जांपल है जो मेरा यूजिंग मेथड को लेके ही है, लिस्ट के मेथड को लेके ही है, उससे रिलेटेड ही है। ओके ओके सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर बनाया है। अब प्रोग्राम क्या है मेरा, प्रोग्राम ओके प्रोग्राम टू सॉर्ट अल्फाबेटिकल द वर्ड फ्रॉम स्ट्रिंग प्रोवाइडेड बाय यूजर, यानी कि जो मैं स्ट्रिंग दूंगा यूजर देगा, या ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ स्ट्रिंग है, माय स्ट्र करके यहाँ पर लिखा है, हेलो दिस इज द एग्जांपल विद अ केस लेटर। दूसरे क्या करना है मुझे, स्प्लिट करना है। ओके स्प्लिट करना यानी कि उसको वर्ड में तो मतलब वो वहां से मुझे क्या करना है उसको ये करते हैं। ओके सो मतलब ब्रेक डाउन कर देना है, ब्रेक डाउन द स्ट्रिंग इन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके सो मेरा str करके मेरा पूरा एक लेयर मैंने लिखा है, एक लाइन लिखी है, वर्ड एक वेरिएबल बनाया है कि my str.split, यानी कि स्प्लिट फंक्शन यूज करो फॉर उसको वर्ड से स्प्लिट करने के लिए, जहां से स्पेस मिलेगा वहां से क्या बोलते हैं स्प्लिट हो जाता है। ओके एंड word.short और उसको क्या कर देंगे मैं, ओके डिस्प्ले द शॉर्टेड वर्ड। ओके सो प्रिंट यानी कि जो शॉर्टेड वर्ड रहेगा मुझे दिखेगा, मैंने फॉर लूप यूज किया हुआ है वर्ड इन अ वर्ड्स। ओके सो जो एक वर्ड के वेरिएबल लिया है, जो वर्ड्स रहेंगे उसमें वेरिएबल जाएंगे और एक एक वर्ड्स मुझे क्या होगा वो प्रिंट करके मुझे दिखाएगा स्प्लिट करके। ओके सो मैं यहाँ पर F5 यूज कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ मैं। सो मैं आ जाता हूँ कोड की तरफ, मतलब अपनी आउटपुट की तरफ देखिए। ओके एक एक वर्ड को क्या किया स्प्लिट कर दिया, जहां जैसे उसको स्पेस मिलता है वहां से वो क्या कहता है स्प्लिट कर देता है, दिख रहा है, दिखा आपको? यस सर। ओके सो कोई डाउट्स लिस्ट मेथड में, कुछ एग्जांपल्स मैंने आज कराया, समझ में आया आपको प्रॉपर? एनी डाउट? ओके सो आज का सेशन हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्यूपल देखेंगे, ट्यूपल के फंक्शन देखेंगे और उसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। ओके ओके ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना स्टॉप करता हूँ।